हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू सो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आया है अनदर एडमिशन रिलेटेड वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पोपी नोट जे के बोपी का जो नोटिफिकेशन निकला है आज का ये नोटिफिकेशन है कंडक्ट ऑफ थर्ड राउंड ऑफ एल अलॉटमेंट काउंसलिंग ऑफ नीट अंडर ग्रेजुएट टू थाउजेंड ट्वेंटी नोटिफिकेशन सिक्सटी थ्री बोपी ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी थर्ड ऑफ ट्वेल्थ डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी रेफरेंस जो लिए है अभी कल ही मैंने मॉप मापअप राउंड का डिटेल में आपको बताया था डिटेल में कि मॉप राउंड फॉर द एडमिशन नीट एंड भी एम बी बी कोर्सेज जो मॉप मापा राउंड रहेगा या उसको थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी बोल सकते हो वो क्या होता है वो मैंने आपको डिटेल में समझाया था और कई मेरे सब्सक्राइबर मेरे को पूछे थे सर कि सीट मैट्रिक्स क्या आ, कब आएगा इसका मॉप मापॉप राउंड का तो इन्होंने एक फाइनल सीट मैट्रिक्स ही आप बोल सकते हो वो रिलीज़ कर दिया आज के लिए और अब ये एक और अपडेट आई है कि जो मापावर ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ दिसंबर को होना था वो अब थर्टीथ ऑफ दिसंबर को होगा मैं मार करके आपको डेट बता देता हूँ कि देखिए इंस्टेड ऑफ़ ट्वेंटी नाइन अब नाउ बी हेल्ड ऑन थर्टीथ ऑफ दिसंबर तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको इसलिए अपडेट दे रहा हूँ इस नोटिफिकेशन के थ्रू कि डेट चेंज हो चुकी है सीट मैट्रिक्स आ चुका है तो आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सीट्स वैकेंट हैं ताकि आप उसमें अप्लाई कर सको उन्होंने मैंशन किया कॉन्सिक्वेंट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ नीट अंडर ग्रेजुएट टू ट्वेंटी ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ डिसंबर द थर्ड राउंड ऑफ़ फिजिकल काउंसलिंग फ़ॉर अलॉटमेंट एंड अपग्रेडेशन सो एज़ टू फिल अप दीट्स फॉर एम बी बी एस बी डी एस कोर्सिस शेल नाउ बी हेल्ड ऑन ऑफ दिसंबर इंस्टेड ऑफ ट्वेंटीबर इन द बोर्ड ऑफिस जम्मू श्रीनगर अगेंस्ट द शॉर्ट फॉल ऑफ द फॉलोइंग टेंटिट्स सो जे एम सी जम्मू में जो ज़ीरो वन एक सीट रहती है एमबीबीएस की ऑफ ओपन मेरिट पीडब्ल्यूडी फीमेल की जीएमसी एम डोडा में एक सीट रहती है एमबीबीएस फॉर ऑफ आर बी एसकॉम्स जम्मू में एक सीट रहती है एमबीबीएस एचएम HM लिखा हुआ है इसके आगे जीडीसी श्रीनगर में दो सीट्स रहती हैं बीडीएस की दो सीट्स रहती हैं और तीन सीट्स रहती हैं डी की वन सीट जो है एस टी एल मेल की है वन सीट जे के पी एम फीमेल की है और जो तीन सीट्स डी 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 एच की उसमें एक ओपन मेरिट की है एक आर बी ए की है और एक एस सी की है जी डी सी जम्मू में दो सीट्स रहती, है, है, है। रहती हैं ओपन मेरिट की जिसमें एक फीमेल और एक मेल है आई डी सी जम्मू में सेवेंटी सेवन सीट्स अभी भी वेकेंट रहती हैं ठीक है तो आप इन सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो थर्टी दिसंबर को बोपी ऑफिस में जाके ठीक है और कई स्टूडेंट्स जिनको इस ईयर में सीट्स नहीं मिली हैं बिकॉज ऑफ देयर रैंक या नीट स्कोर तो आपको पता ही है कि सिक्स मंथ्स के बाद दोबारा इनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी ठीक है पेपर होगा नीट का उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो अगर आपका इस बार अच्छा रैंक नहीं आया है तो आप टेंशन नहीं लीजिए आप नेक्स्ट ईयर सिक्स मंथ्स के बाद दोबारा से पेपर होगा और जैसे कि मैंने एक वीडियो में अपलोड भी किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि साल में दो बार नीट का पेपर होना चाहिए शायद उस पर भी गवर्नमेंट कोई फाइनल डिसीजन ले ले तो अगर ऐसा कोई डिसीजन आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा तो इसलिए आप सिक्स मंथ्स वेट करके दोबारा से नीट का पेपर देख एक अच्छा स्कोर ले सकें और जो भी आपका फेवरेट uh, कॉलेज है या फेवरेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप एडमिशन ले सकोगे ठीक है इफ़ द सीट्स अंडर द डब्ल कैंडिडेट वुड रिमेन वेकेंट इट शेल बी कन्वर्टेड इन टू ओपन मैर कैटेगरी सीट आती द सेम डे अगर पी कैंडिडेट्स की कोई स्टूडेंट uh, नहीं अपीयर होता है काउंसलिंग के टाइम पे तो उसको वो कन्वर्ट कर देंगे ओपन मैरिट में सेम डे में ही एंड शेल बी अलाप्टेड टू द फीमेल कैंडिडेट प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग तो ये उसको कोई भी जो भी फीमेल उस दिन प्रेजेंट रहेगी वो पी ऑफिस में कि उसको आ, दे देंगे अगर पी डब्ल कैटेगरी का कोई भी नहीं प्रेजेंट होगा तो और इन्होंने मेंशन किया कि आपको 9 से सुबह मॉर्निंग रिपोर्टिंग टाइम जो वो पी ऑफिस में है फिज़िकल काउंसलिंग रहेगी 9 बजे से लेकर साढ़े दस तक आपको तो रिपेयर होना है कैंडिस फिगरिंग इन द पी एंड आर टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम में आ रहे हैं उनको पंद्रह सौ रुपये फीस देनी है ठीक है बाकियों को नहीं देनी थ्रू पी ओ एस मशीन अवेलेबल इन द जे के बोपी ऑफिस बिफोर दे आर लॉटेड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग ऑन देयर डे एंड डेट ऑफ काउंसलिंग कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट फ्रेश प्रेफरेंसेस आपको प्रेफरेंस फॉर्म उधर भरना पड़ेगा बोपी ऑफिस में जैसे आप पहले सेकेंड राउंड में आपने भरा था वैसे ही आपको भरना पड़ेगा ठीक है तो बाकी यही सब मेन इंस्ट्रक्शंस हैं ठीक है थीके? तो ये जो सीट्स हैं मेन इसमें दो आज के इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे कि काउंसलिंग की डेट चेंज हो चुकी है ट्वेंटी नाइन की जगह अब थर्टीथ को होगी मॉप अप राउंड और सीट मैट्रिक्स ये ये सीट्स अभी भी वैकेंट हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सो so, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो स्पेशली फॉर द के स्टूडेंट्स मैंने ये चैनल बनाया और डेली बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ रिलेटेड टू एडमिशन रिलेटेड जॉब रिलेटेड एंड एजुकेशन रिलेटेड सो काइंडली सपोर्ट दिस चैनल थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में था। था था था।